हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज का वीडियो है मेरा जर्नी आज बैंगलोर से कलकत्ता। मैं सिर्फ ये मेरा जर्नी नहीं है, आप लोग के लिए भी ये नॉलेज वाली वीडियो होगा, क्योंकि बैंगलोर से मैं कलकत्ता जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम। थ्री सब लोग स्लीपर सुना है, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी सुना है, थ्री शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये सुना है तो उसके बारे में जानता नहीं होगा। आज मैं थ्री के बारे में बताऊँगा। थ्री कोच क्या होता है? थ्री कोच होता है थर्ड एसी इकोनॉमिक क्लास। यस, थर्ड एसी इकोनॉमिक क्लास, उसके आज मैं डिटेल्स दूँगा पूरा। मैं स्टार्ट से पूरा एंड तक, मैं जर्नी से लेकर मेरा एंड तक, मेरा डेस्टिनेशन तक मैं पूरा वीडियो बनाऊँगा। टेंथ के अंदर जाऊँगा, टेंथ के अंदर क्या फैसिलिटी मिलेगी, थर्ड एसी और थ्री में क्या अच्छा है, क्या डिफरेंस, मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्ट होने वाला है। मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊँगा एंड तक। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। यार तो चलते हैं, मैं सिर्फ देखिए, अब मैं SMRTC स्टेशन में खड़ा हूँ। मेरा जो ट्रेन नंबर है 12864 ट्रेन नंबर है, जो SMRTC से छोड़ता है, SMRTC से हावड़ा तक जाएगा आपका। ये पहले ही आपका यशवंतपुर से जाता था, ये गाड़ी तुरंत भी यशवंतपुर से जाता था, लेकिन अभी ट्रेन है वो भी थोड़ा ये हो गया। तो जितना भी अब गाड़ी हो गया ज़्यादा, मैक्सिमम जो कलकत्ता जाता है तुरंत, और हावड़ा एक्सप्रेस जो वो SMRTC से भी छोड़ता है। मेरा जो गाड़ी है सुबह 10:35 में है और उधर 7:55 में छोड़ेगा नेक्स्ट डे, मतलब ठीक है। तो चलते आगे, मैं डिटेल्स पूरा बताऊँगा वीडियो के जरिए, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, मैं अपना ट्रेन पकड़ना है, प्लेटफॉर्म में जा रहा हूँ। प्लेटफॉर्म में जाना है, कौन से प्लेटफॉर्म में दिया है, वो शायद 4 नंबर पे दिया है, और ट्रेन 4 नंबर पे दिया है। सो मैं 4 नंबर की तरफ रवाना हो रहा हूँ। तो वीडियो के साथ बनी रहिए, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, तो मैं पूरा डिटेल्स बताऊँगा। थ्री मतलब थर्ड एसी इकोनॉमिक क्लास में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो के साथ बनी रहिए, तो लेट्स गो। तो दोस्तों, मैं अपना प्लेटफॉर्म में पहुंच चुका हूं, और ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ेगा ट्रेन। सो फ्रेंड्स, वो मैं अपना ट्रेन में चढ़ जाऊंगा, उठूंगा, क्योंकि ट्रेन ज़्यादा भी दो टाइम में 10:35 में छोड़ेगा। तो मेरा कोच मेरे सामने है, M3 Signal 47, ठीक है। चलो चलो ट्रेन के अंदर। तो गाइस, मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ और ट्रेन ऑलरेडी छोड़ भी दिया है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी दिखाऊँ, मैं सब डिटेल्स बताऊँगा, ट्रेन कैसा है, सब अंदर का डिटेल्स पूरा मैं बताऊँगा। तो देखिए, बाहर का नज़ारा देखिए थोड़ा सा। तो सबसे पहले फैसिलिटी मुझे एक अच्छा चीज़ लगा है ट्रेन में, चार्जर पॉइंट का जो है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए चार्जर पॉइंट है, हर सीट के नीचे चार्जर पॉइंट है, और साथ में USB पॉइंट का है। आपका अगर एडोप्टर अगर नहीं ले जाओगे फिर भी चलेगा, आप ऑनली डाटा केबल लेके जाके आप चार्ज कर सकते हो। दो साथ में दो कंबल दिया है ओढ़ने के लिए, एक बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए। तो अभी देखिए केयरपुरम कब आया, कब गया, हमको पता नहीं लगा, छोड़ा जब तो हमको पता लगा, ये केयरपुरम स्टॉप होके और छोड़ भी दिया। 2-3 मिनट रुकता है वहाँ पर, तो अभी केयरपुरम में छोड़ दिया। तो अभी देखिए, उसके बाद मैं डायरेक्ट उड़ीसा में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये उड़ीसा है, उड़ीसा में उतरा हूँ, दूसरा दिन उड़ीसा में। अब मैं हावड़ा भी पहुँच गया हूँ, अब देखिए हावड़ा में पहुँच गया, रात को 11 बजे मैं हावड़ा पहुँचा हूँ। गाड़ी बहुत लेट किया था,
तो अभी मैं बताऊंगा आपको सारा डिटेल्स। आपको 3E AC में टिकट बुक करना है, करना अच्छा है या नहीं। अच्छा सुनिए, 3 और 3rd AC में फ़र्क इतना है, 3 में थोड़ा कम पैसा आपका पड़ेगा, 150 रुपये कम पड़ेगा, और 3rd AC में 150 रुपये ज़्यादा पड़ेगा। मुझे समझ भी नहीं आता, मैं सोचता था 3 मतलब थर्ड AC इकोनॉमिक क्लास, इसमें पैसा ज़्यादा होना चाहिए, बट कम क्यों है। मैं जर्नी करने के बाद मुझे पता लगा इसमें कम क्यों है, क्योंकि भाई स्पेस बहुत कम है। 3E जो है, 3rd AC ये बहुत अच्छा है। आप अगर एमरजेंसी ना हो तो, अगर आपका कोई एमरजेंसी हो तभी आप 3E में बुक कीजिएगा, बिकॉज 3E में एकदम स्मॉल प्लेस है, बहुत स्मॉल प्लेस है और बहुत गंदा रहता है, कोई साफ़ सुथरा करता नहीं। पीलो दिया था, बेड सेट दिया था, बहुत गंदा था। बट 3rd AC मैं बहुत बार उसमें गया हूँ, बहुत अच्छा है। 3rd AC में सब कुछ साफ़ सुथरा रहता है, स्पेस भी बड़ा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन उसमें चार्जिंग पॉइंट अलग है, उसमें चार्जिंग पॉइंट में जैसे जो 1, 2, 3 इस साइड उस साइड है ना, तीन उसमें आपको मिलेगा, बीच में एक चार्जर मिलेगा और साइड में चार्जर मिलेगा, चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा, और साइड में जो बर्थ होता है उसमें एक ही चार्जिंग का पॉइंट होता है। बट क्या होता है, इसमें 3 में सब में था, मतलब सब सीट के नीचे था, यही एक फ़ायदा था 3 में और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, जर्नी बहुत मेरा अच्छा रहा, लेकिन 3 कोच मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं सबको सजेस्ट करूँगा, अगर कोई एमरजेंसी ना हो, जो लोग 3 में जाता है, सॉरी जो लोग 3rd AC में जाता है, वो 3rd AC में ये करे, अदरवाइज़ 3 मत ये करे। थोड़ा उसमें क्या किया, जनरल डब्बा को, स्लीपर को सिर्फ थोड़ा उसको बना दिया AC, उसको AC लगा के बना दिया, और कुछ नहीं। अच्छा, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, कोई मेंटेन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा, ऐसा करता हूँ, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं अभी हावड़ा पहुँच के अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ। देखिए, अब मैं बाहर, या हावड़ा का सीन है, मैं बाहर निकल रहा हूँ, ठीक है, हावड़ा निकल के बाहर निकल रहा हूँ, इतना रात हो गया ना, तो अभी मैं यहाँ से अपना घर जाऊँगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।